तो देखिए, छापा समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज के व्यापारी के ठिकानों पर पड़ा है। इन छापों के बाद राजनीतिक वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। चुनाव में ये मुद्दा गरमाने भी वाला है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल SBSP अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें राजभर ने कहा है कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं। मेरे साथ हैं यूपी की राजनीति के चर्चित चेहरे पीले कपड़े वाले ओम प्रकाश राजभर। आज उनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। राजभर जी, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से 19 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, खासतौर से ओमिक्रोन का, आप भीड़ जुटाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं, कोई कोरोना खतरा उतरा नहीं मानते क्या? सरकार नहीं मानती है। आपने देखा कि कोरोना एकदम पीक पे था तो पंचायत चुनाव करा लिया गया, माननीय न्यायालय में तमाम दरखास्तें पड़ती गई, लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। कोरोना जब पीक पे था तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के बिहार का चुनाव करा लिया, और बंगाल जब कोरोना पीक पे था तो बंगाल का चुनाव करा लिया गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता ऑक्सीजन से, वेंटिलेटर से, दवा से, अस्पताल के लिए लाचार थी। राजभर जी, एक चीज जानना चाहते हैं, पहल तो आप भी कर सकते हैं, चलिए वो गलती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गलती कर रहे हैं, तो आप भी पहल कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए ना। मालिक का कर्तव्य होता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाए और सर्वदलीय बैठक बुला करके डिसीजन ले, लेकिन यहाँ सरकार के फैसले देखिए कि दिन में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रैली करते हैं और कर्फ्यू लगता है 11 बजे रात से 5 बजे, 11 बजे से 5 बजे के बीच में कोरोना पकड़ेगा और सुबह 5 बजे से 11 बजे तक कोरोना नहीं पकड़ेगा। बात समझ गया आपकी, नाइट कर्फ्यू की दिल्ली में भी आज से शुरू हो रहा है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं राजभर जी कि चुनाव आयोग की टीम आ रही है, आप लोग, आपकी पार्टी के लोग भी मिलेंगे, तो वहां क्या आप राय देंगे कि भाई हम लोग वर्चुअल रैली कर लेते हैं, इस तरीके से चुनाव कराना सही नहीं होगा? देखिए, इस देश में एक बात तो सत्य हो गई है कि देश के राजनीति में पहली बार PMO ने चुनाव आयोग को तलब किया। ये साबित होता है कि अब चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आप, आपकी बात तो रह गई कि हम पंचायत की बात मानते हैं, खूटा वहीं गड़ेगा, हम चुनाव आयोग के भी नहीं मानेंगे, सरकार के भी नहीं मानेंगे, आप अपनी तरफ से पहल भी नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। फैसला तो सरकार को लेना है ना, चुनाव तो सरकार को कराना है। जब तक प्रधानमंत्री की रैली खत्म नहीं हो जाएगी तब तक चुनाव आयोग भी आचार संहिता नहीं लागू कर सकता है। तो ये पहल तो हमारे देश की सत्ता के लोगों को करना है। हमको बुलाएंगे, हम भी, हम तो यही सुझाव देंगे कि जीवन रहेगा तो बहुत से चुनाव होते रहेंगे और देश और प्रदेश की जनता पहले सुरक्षित हो, उसके बाद। तो खुद ही आज भी रैली करने जा रहे हैं, भीड़ वहां भी जुटेगी? परमिशन तो सरकार दे रही है कि तुम भी करो, हम भी करें। चलिए, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि आप लोग थोड़े से डर गए हैं क्या? क्यों? ED आ गई, उसी पहले इनकम टैक्स आई, अखिलेश यादव के करीबियों पर छापे पड़े, फिर पीयूष जैन का भी लिंक आप ही लोगों की टीम से जोड़ा जा रहा है। नहीं नहीं, मैंने आपके दो बयान देखा, एक बयान देखा कि मैं तो ये कह रहा हूँ, भाजपा वाले कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इत्र जो है वो बदबू फैला रहा है। देखिए, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कांग्रेस के पतन का टाइम हुआ तो वो थर्ड एम्पायर से फैसला लेने लगी, जनता ने नकार दिया। एम्पायर मतलब ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया यूपी और देश में, तो देश से विदाई जनता ने कर दिया। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी थर्ड एम्पायर कहां गई, जनता ने नकार दिया, महंगाई से, बेरोजगारी से और आपके भ्रष्टाचार से, और प्रदेश में जो योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से किसान ने त्याग दिया, GST से व्यापारी छोड़ दिया, और ये इतना पैसा आया 257 करोड़, कुछ तो होगा ना? उस अब कन्नौज का आदमी है तो आप जानते हैं धीरे धीरे तार कहाँ जोड़ने लगा। देखिए, देश में कुछ भी होगा उत्तर प्रदेश में तो उसका तार सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाएगा, भले वो भाजपा का एजेंट हो, भाजपा का नेता हो, भाजपा का विधायक हो, भाजपा का मंत्री हो, लेकिन उसका तार जोड़ा जाएगा अखिलेश जी से। इस नाते कि अखिलेश जी अब सरकार बनाने जा रहे हैं, इस नाते भारतीय जनता पार्टी माननीय अखिलेश यादव से परेशान है और किसी से परेशान नहीं है। इस नाते जो है वो चाहे कन्नौज हो चाहे यहाँ हो, और ईडी CBI जो डर गया वो मर गया। ABP News आपको रखे आगे।